काश मैं तुम्हें बता सकती कि इन 5 सालों में कितने खला पैदा हुए जो सिर्फ एक बहन की मोहब्बत पूरा कर सकती थी। और फिर उसी बहन के लिए आपके दिल में नफरत ही नफरत पैदा हो गई। बेवकूफ थी मैं। That's really unfair, नूर। हर इंसान को होता है। तो फिर मेरा कंफर्ट जोन यही है। तुम अगर मेरे पेरेंट्स के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते तो प्लीज मुझे बता दो। हम अभी इसी वक्त इस बात को यहीं खत्म कर देंगे। सजाद का बेटा पसंद नहीं है ना, तो तुम इनकार का हक रखती हो। मैं सारे हक आपको दे चुकी हूँ बाबा। मैं तो कहती हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से बच गई ये ऑपरेशन वाली पोली पोली ढोलकी। भाभी अब सचमुच की ढोलकी भी बजा देना मानो और रस्मी की मेहंदी की। हाँ बोलो यार, अब तुम ऐसे जान छोड़ाने वाले अंदाज में बात करोगी मुझसे? शुक्र करो कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अच्छा ऐसा है तो फिर फोन रखूं, मैं पहले जाके शुक्राने के नफल पढ़ाता हूँ। ये हमारा डंगर खुद फैसला करे वरना आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा हमारे सामने कि आपने कहा था, वरना बच्चे यहाँ रहे वहाँ रहे है, दोनों घर हमारे ही हैं। जहाँ तो मैं भी सिर्फ थी लेकिन आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा काला डोरा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। सब घर वाले आखिर का मान ही जाता है यहाँ पर हस्बी और मानूर की शादी को, लेकिन यहाँ पर मानूर नहीं मानती क्योंकि यहाँ पर मानूर अपनी अम्मी से यही बताती हैं, अम्मी मैं अगर यहाँ पर हस्बी के साथ शादी करूँगा तो यहाँ पर मैं हस्बी के साथ नहीं रहूँगी क्योंकि यहाँ पर हस्बी को यहीं पर आना होगा। हस्बी यहाँ पर यही सोचता है कि अब मानूर ये आप क्या बोल रही हो, मैंने तो आपसे शादी इसलिए नहीं की कि मैं आपके घर में शादी करने के लिए आऊँगा। आपको क्या लगता है मेरे अपने घर में कोई माँ बाप नहीं है तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? यहाँ पर मानूर यही बताती हुई उसे बताती हैं कि नहीं, अगर आपको अपने कंफर्ट का इतना ही ख्याल है तो आप मुझे साफ साफ बता सकते हो। तो यहाँ पर हस्बी भी उसे यही बताते हुए कहते हैं कि नहीं मानूर, इस तरह की कोई बात नहीं है। आपको तो पता है कि हर इंसान को अपने कंफर्ट का मतलब पता होता है कि वो कहाँ पर खुश होता है और कहाँ पर नहीं। मानूर यही बताते हुए उसे यही कहती हैं कि अगर फिर ठीक है तो मैं इस तरह कर लेती हूँ कि मैं इस शादी से इनकार ही कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं अपने वालिद साहब को इसी हाल में नहीं छोड़ सकती। अब मैं अपने वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करती हूँ। यही बात उसे लेकर मानूर वहां से चली जाती हैं। यहाँ पर हस्बैंड के भाई आ जाता है और अपनी बीवी से यही बताते हैं अगर इन दोनों की शादी इस बात पर टहल जाती है तो हम इस तरह कर लेते हैं कि हम दोनों वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। वो अपनी भाभी से यही बताते हैं कि हस्बैंड भी अपनी भाभी को मिन्नतें करते हुए यही बताते हैं कि हाँ भाभी ये भी ठीक है। उसकी भाभी साफ इनकार कर लेते हैं कि नहीं, कि मैं अपने घर को यहाँ पर क्यों छोड़ूँ। यहाँ पर वो देखते हुए उसे यही बताते हैं कि मानूर में और इसमें यही फ़र्क है क्योंकि मानूर अपने वालिद साहब से और अपने घर वालों से बहुत मोहब्बत करते हैं और यहाँ पर वो आपसे मोहब्बत नहीं करते। हस्बी अपने जहन में बहुत गलत गुमान रखते हुए उसे मानूर को कॉल करते हैं। मानूर को यही बताते हैं कि मानूर आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, आप मुझे मोहब्बत के दावा ही करते हो क्योंकि अगर आपको मुझसे थोड़ी भी मोहब्बत होती तो आप ये बात मुझसे नहीं करते। मानूर यही बताते हुए ये कहती हैं कि हाँ, हस्बी भी यही बताते कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है मैं अपने घर वालों से मोहब्बत नहीं करता? क्या हर बंदे को इस तरह नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी शादी हो, उसकी बीवी उसके घर में आ जाए? तो मानूर सोचने पड़ जाती हैं और अपने दादा साहब से यही बताती हैं कि दादा आखिरकार मैं क्या करूँ, मैं अपने अब्बू को यहाँ पर नहीं छोड़ सकती और अब्बू को मतलब वो बीमार हैं क्योंकि मैं उसके यहाँ पर अकेलेपन उसमें कभी भी उससे दूर नहीं जा सकती। उसके दादा यही उसे बताते हैं कि मानूर नहीं बेटा, इस तरह की कोई बात नहीं है, ये तो हमारे सामने इसका घर है, आप कभी भी यहाँ पर आ सकती हो। मानूर उसे कहती है कि नहीं, अगर आप हस्बैंड को यही मनाते हुए उसे बोल दोगे कि हस्बैंड यहाँ पर आ जाए तो कैसा रहेगा? मानूर की अम्मी इस बात को राज़ी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। उसे बताती है कि आखिरकार हस्बैंड यहाँ पर क्या करेगा, हस्बैंड कोई डॉक्टर तो नहीं है कि वो यहाँ पर आकर मेरे पति का इलाज करेगा? उसे यही बताते उसे कहते हैं कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, हस्बैंड को यहाँ पर आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मानूर अगर आपको शादी करनी है तो आप वहाँ पर ही जाओगे, सब लोग अभी शादी करने के लिए तो मान ही जा चुके हैं लेकिन अभी मानूर की बात पर कोई भी रजामंदी नहीं दिखाता क्योंकि मानूर की बात बहुत गलत होती है क्योंकि वो हस्बैंड को अपने घर में ही लाना चाहते हैं। हस्बैंड भी यही बताते हुए उसे कहते हैं कि मानूर आप ये बिल्कुल गलत कर रही हो क्योंकि मैंने तो आपको बार बार साफ साफ बता दिया है अगर आपको मेरे साथ आना है तो आपको इस शादी को वहां पर सब घर वालों को छोड़ना ही होगा। मानूर साफ साफ इनकार करते हुए यही बताते हैं
कि नहीं, मैं इस तरह की कोई भी हरकत नहीं कर सकता। अगर आपको मुझसे कोई भी मतलब गिले शिकवे है तो आप मुझे साफ साफ बता सकते हो, मैं अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकता। मानूर और आसमान के बीच में बहुत बड़ी लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, उसे यही बताते हैं कि नहीं, हम इस तरह नहीं कर सकते। अगर आपको जाना है तो आप मुझसे मतलब मुझे छोड़ कर आप जा सकते हो। अगर आपको यहाँ पर मेरे साथ नहीं रहना है तो आप मुझे साफ साफ बता सकते हो। आसमान सोच में पड़ जाता है, अपने अम्मी से बताते हैं कि अम्मी, अगर मैं वहाँ पर चला गया तो आप लोगों को क्या होगा। अम्मी उसे बता दे कि नहीं, हम इस तरह की शादी कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि आप मेरे बेटे हो। हर बेटे को यही बताना चाहिए कि अगर मेरा दूसरा बेटा कैसा है कि वो अपने ससुराल में तो नहीं रहता। मानूर यही बताते हैं कि नहीं, मैं तो इस तरह नहीं चाहती, क्योंकि उनके वालिद साहब भी मानूर को मनाते हुए यही बताते कि नहीं बेटा, मैं अभी ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आप क्यों टेंशन ले रही हो बार बार। मानूर आखिरकार क्या करेगी, वो हस्बैंड को छोड़ने की बात करते हुए सब लोगों के सामने ये बताते कि मैं हस्बैंड को छोड़ दूंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा काला डोरा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। सब घर वाले आखिर का मान ही जाता है यहाँ पर हस्बी और मानूर की शादी को, लेकिन यहाँ पर मानूर नहीं मानती, क्योंकि यहाँ पर मानूर अपनी अम्मी से यही बताती हैं, अम्मी मैं अगर यहाँ पर हस्बी के साथ शादी करूँगा तो यहाँ पर मैं हस्बी के साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि यहाँ पर हस्बी को यहीं पर आना होगा। हस्बी यहाँ पर यही सोचता है कि अमानू ये आप क्या बोल रहे हो, मैंने तो आपसे शादी इसलिए नहीं की कि मैं आपके घर में शादी करने के लिए आऊँगा। आपको क्या लगता है, मेरे अपने घर में कोई माँ बाप नहीं है तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। यहाँ पर मानू यही बताती हुई उसे बताती हैं कि नहीं, अगर आपको अपने कंफर्ट का इतना ही ख्याल है तो आप मुझे साफ साफ बता सकते हो। तो यहाँ पर हस्बी भी उसे यही बताते हुए कहते हैं कि नहीं मानूर, इस तरह की कोई बात नहीं है। आपको तो पता है कि हर इंसान को अपने कंफर्ट का मतलब पता होता है कि वो कहाँ पर खुश होता है और कहाँ पर नहीं। मानूर यही बताते हुए उसे यही कहती हैं कि अगर फिर ठीक है तो मैं इस तरह कर लेती हूँ कि मैं इस शादी से इनकार ही कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने वालिद साहब को इसी हाल में नहीं छोड़ सकती। अब मैं अपने वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करती हूँ। यही बात उसे लेकर मानूर वहां से चली जाती हैं। यहाँ पर हस्बैंड के भाई आ जाता है और अपनी बीवी से यही बताते हैं, अगर इन दोनों की शादी इस बात पर टहल जाती है तो हम इस तरह कर लेते हैं कि हम दोनों वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। वो अपनी भाभी से यही बताते हैं कि हस्बैंड भी अपनी भाभी को मिन्नतें करते हुए यही बताते हैं कि हाँ भाभी ये भी ठीक है। उसकी भाभी साफ इनकार कर लेते हैं कि नहीं, कि मैं अपने घर को यहाँ पर क्यों छोड़ूँ। यहाँ पर वो देखते हुए उसे यही बता दें कि मानूर में और इसमें यही फ़र्क है, क्योंकि मानूर अपने वालिद साहब से और अपने घर वालों से बहुत मोहब्बत करते हैं और यहाँ पर वो आपसे मोहब्बत नहीं करते। हस्बी अपने जहन में बहुत गलत गुमान रखते हुए उसे मानूर को कॉल करते हैं। मानूर को यही बताते हैं कि मानूर आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, आप मुझे मोहब्बत के दावा ही करते हो, क्योंकि अगर आपको मुझसे थोड़ी भी मोहब्बत होती तो आप ये बात मुझसे नहीं करते। मानू यही बताते हुए ये कहती हैं कि हाँ, हस्बी भी यही बताते कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है, मैं अपने घर वालों से मोहब्बत नहीं करता, क्या हर बंदे को इस तरह नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी शादी हो, उसकी बीवी उसके घर में आ जाए। तो मानू सोचने पड़ जाती हैं और अपने दादा साहब से यही बताती हैं कि दादा आखिरकार मैं क्या करूँ, मैं अपने अब्बू को यहाँ पर नहीं छोड़ सकती और अब्बू को मतलब वो बीमार हैं, क्योंकि मैं उसके यहाँ पर अकेलेपन उसमें कभी भी उससे दूर नहीं जा सकती। उसके दादा यही उसे बताते हैं कि मानूर नहीं बेटा, इस तरह की कोई बात नहीं है, ये तो हमारे सामने इसका घर है, आप कभी भी यहाँ पर आ सकती हो। मानूर उसे कहती है कि नहीं, अगर आप आसमान को यही मनाते हुए उसे बोल दोगे कि आसमान यहाँ पर आ जाए तो कैसा रहेगा। मानूर की अम्मी इस बात को राज़ी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, उसे बताती है कि आखिरकार हस्बैंड यहाँ पर क्या करेगा, हस्बैंड कोई डॉक्टर तो नहीं है कि वो यहाँ पर आकर मेरे पति का इलाज करेगा। उसे यही बताते उसे कहते हैं कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, हस्बैंड को यहाँ पर आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मानूर अगर आपको शादी करनी है तो आप वहाँ पर ही जाओगे, सब लोग अभी शादी करने के लिए तो मान ही जा चुके हैं, लेकिन अभी मानूर की बात पर कोई भी रजामंदी नहीं दिखाता, क्योंकि मानूर की बात बहुत गलत होती है, क्योंकि वो हस्बैंड को अपने घर में ही लाना चाहते हैं। हस्बैंड भी यही बताते हुए उसे कहते हैं कि मानूर आप ये बिल्कुल गलत कर रही हो, क्योंकि मैंने तो आपको बार बार साफ साफ बता दिया है, अगर आपको मेरे साथ आना है तो आपको इस शादी को वहाँ पर सब घर वालों को छोड़ना ही होगा। मानूर साफ साफ इनकार करते हुए यही बताते हैं
कि नहीं, मैं इस तरह की कोई भी हरकत नहीं कर सकता। अगर आपको मुझसे कोई भी मतलब गिले शिकवे है तो आप मुझे साफ साफ बता सकते हो, मैं अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकता। मानूर और हसमन के बीच में बहुत बड़ी लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। उसे यही बताती है कि नहीं, हम इस तरह नहीं कर सकते। अगर आपको जाना है तो आप मुझसे मतलब मुझे छोड़ कर आप जा सकते हो। अगर आपको यहाँ पर मेरे साथ नहीं रहना है तो आप मुझे साफ साफ बता सकते हो। हसमन सोच में पड़ जाता है, अपने अम्मी से बताते हैं कि अम्मी अगर मैं वहाँ पर चला गया तो आप लोगों को क्या होगा। अम्मी उसे बता दे कि नहीं, हम इस तरह की शादी कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि आप मेरे बेटे हो। हर बेटे को यही बताना चाहिए कि अगर मेरा दूसरा बेटा कैसा है कि वो अपने ससुराल में तो नहीं रहता। मानूर यही बताते हैं कि नहीं, मैं तो इस तरह नहीं चाहती, क्योंकि उनके वालिद साहब भी मानूर को मनाते हुए यही बताते कि नहीं बेटा, मैं अभी ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आप क्यों टेंशन ले रही हो बार बार। मानूर आखिरकार क्या करेगी, वो हस्बैंड को छोड़ने की बात करते हुए सब लोगों के सामने ये बताते कि मैं हस्बैंड को छोड़ दूंगा। अस्सलामु अलैकुम वीवर, आज हम बताएंगे ड्रामा काला डोरा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। सब घर वाले आखिर का मान ही जाता है यहाँ पर हस्बी और मानूर की शादी को, लेकिन यहाँ पर मानूर नहीं मानती, क्योंकि यहाँ पर मानूर अपनी अम्मी से यही बताती हैं, अम्मी मैं अगर यहाँ पर हस्बी के साथ शादी करूँगा तो यहाँ पर मैं हस्बी के साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि यहाँ पर हस्बी को यहीं पर आना होगा। हस्बी यहाँ पर यही सोचता है कि अमानूर ये आप क्या बोल रहे हो, मैंने तो आपसे शादी इसलिए नहीं की कि मैं आपके घर में शादी करने के लिए आऊँगा। आपको क्या लगता है, मेरे अपने घर में कोई माँ बाप नहीं है तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। यहाँ पर मानूर यही बताती हुई उसे बताती हैं कि नहीं, अगर आपको अपने कंफर्ट का इतना ही ख्याल है तो आप मुझे साफ साफ बता सकते हो। तो यहाँ पर हस्बी भी उसे यही बताते हुए कहते हैं कि नहीं मानूर, इस तरह की कोई बात नहीं है। आपको तो पता है कि हर इंसान को अपने कंफर्ट का मतलब पता होता है कि वो कहाँ पर खुश होता है और कहाँ पर नहीं। मानूर यही बताते हुए उसे यही कहती हैं कि अगर फिर ठीक है तो मैं इस तरह कर लेती हूँ कि मैं इस शादी से इनकार ही कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने वालिद साहब को इसी हाल में नहीं छोड़ सकती। अब मैं अपने वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करती हूँ। यही बात उसे लेकर मानूर वहां से चली जाती हैं। यहाँ पर हस्बैंड के भाई आ जाता है और अपनी बीवी से यही बताते हैं, अगर इन दोनों की शादी इस बात पर टहल जाती है तो हम इस तरह कर लेते हैं कि हम दोनों वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। वो अपनी भाभी से यही बताते हैं कि हस्बैंड भी अपनी भाभी को मिन्नतें करते हुए यही बताते हैं कि हाँ भाभी ये भी ठीक है। उसकी भाभी साफ इनकार कर लेते हैं कि नहीं, कि मैं अपने घर को यहाँ पर क्यों छोड़ूँ। यहाँ पर वो देखते हुए उसे यही बता दें कि मानूर में और इसमें यही फ़र्क है, क्योंकि मानूर अपने वालिद साहब से और अपने घर वालों से बहुत मोहब्बत करते हैं और यहाँ पर वो आपसे मोहब्बत नहीं करते। हस्बी अपने जहन में बहुत गलत गुमान रखते हुए उसे मानूर को कॉल करते हैं। मानूर को यही बताते हैं कि मानूर आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, आप मुझे मोहब्बत के दावा ही करते हो, क्योंकि अगर आपको मुझसे थोड़ी भी मोहब्बत होती तो आप ये बात मुझसे नहीं करते। मानू यही बताते हुए ये कहती हैं कि हाँ, हस्बी भी यही बताते कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है, मैं अपने घर वालों से मोहब्बत नहीं करता, क्या हर बंदे को इस तरह नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी शादी हो, उसकी बीवी उसके घर में आ जाए। तो मानू सोचने पड़ जाती हैं और अपने दादा साहब से यही बताती हैं कि दादा आखिरकार मैं क्या करूँ, मैं अपने अब्बू को यहाँ पर नहीं छोड़ सकती और अब्बू को मतलब वो बीमार हैं, क्योंकि मैं उसके यहाँ पर अकेलेपन उसमें कभी भी उससे दूर नहीं जा सकती। उसके यही उसे बताते हैं कि मानूर नहीं बेटा, इस तरह की कोई बात नहीं है, ये तो हमारे सामने इसका घर है, आप कभी भी यहाँ पर आ सकती हो। मानूर उसे कहते हैं कि नहीं, अगर आप हस्बैंड को यही मनाते हुए उसे बोल दोगे कि हस्बैंड यहाँ पर आ जाए तो कैसा रहेगा। मानूर की अम्मी इस बात को राज़ी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, उसे बताती है कि आखिरकार हस्बैंड यहाँ पर क्या करेगा, हस्बैंड कोई डॉक्टर तो नहीं है कि वो यहाँ पर आकर मेरे पति का इलाज करेगा। उसे यही बताते उसे कहते हैं कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, हस्बैंड को यहाँ पर आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मानूर अगर आपको शादी करनी है तो आप वहाँ पर ही जाओगे, सब लोग अभी शादी करने के लिए तो मान ही जा चुके हैं, लेकिन अभी मानूर की बात पर कोई भी रजामंदी नहीं दिखाता, क्योंकि मानूर की बात बहुत गलत होती है, क्योंकि वो हस्बैंड को अपने घर में ही लाना चाहते हैं। हस्बैंड भी यही बताते हुए उसे कहते हैं कि मानूर आप ये बिल्कुल गलत कर रही हो, क्योंकि मैंने तो आपको बार बार साफ साफ बता दिया है, अगर आपको मेरे साथ आना है तो आपको इस शादी को वहाँ पर सब घर वालों को छोड़ना ही होगा। मानूर साफ साफ इनकार करते हुए यही बताते हैं
कि नहीं, मैं इस तरह की कोई भी हरकत नहीं कर सकता। अगर आपको मुझसे कोई भी मतलब गिले शिकवे है तो आप मुझे साफ साफ बता सकते हो, मैं अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकता। मानूर और हसमन के बीच में बहुत बड़ी लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। उसे यही बताती हैं कि नहीं, हम इस तरह नहीं कर सकते। अगर आपको जाना है तो आप मुझसे मतलब मुझे छोड़ कर आप जा सकते हो। अगर आपको यहाँ पर मेरे साथ नहीं रहना है तो आप मुझे साफ साफ बता सकते हो। हसमन सोच में पड़ जाता है, अपने अम्मी से बताते हैं कि अम्मी अगर मैं वहाँ पर चला गया तो आप लोगों को क्या होगा। अम्मी उसे बता दें कि नहीं, हम इस तरह की शादी कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि आप मेरे बेटे हो। हर बेटे को यही बताना चाहिए कि अगर मेरा दूसरा बेटा कैसा है कि वो अपने ससुराल में तो नहीं रहता। मानूर यही बताते हैं कि नहीं, मैं तो इस तरह नहीं चाहती, क्योंकि उनके वालिद साहब भी मानूर को मनाते हुए यही बताते कि नहीं बेटा, मैं अभी ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आप क्यों टेंशन ले रही हो बार बार। मानूर आखिरकार क्या करेगी, वो हस्बैंड को छोड़ने की बात करते हुए सब लोगों के सामने ये बताते कि मैं हस्बैंड को छोड़ दूंगा। अस्सलाम वालेकुम वीवर, आज हम बताएंगे ड्रामा काला डोरा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। सब घर वाले आखिर का मान ही जाता है यहाँ पर हस्बी और मानूर की शादी को, लेकिन यहाँ पर मानूर नहीं मानती, क्योंकि यहाँ पर मानूर अपनी अम्मी से यही बताती हैं, अम्मी मैं अगर यहाँ पर हस्बी के साथ शादी करूँगा तो यहाँ पर मैं हस्बी के साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि यहाँ पर हस्बी को यहीं पर आना होगा। हस्बी यहाँ पर यही सोचता है कि अमानू ये आप क्या बोल रहे हो, मैंने तो आपसे शादी इसलिए नहीं की कि मैं आपके घर में शादी करने के लिए आऊँगा। आपको क्या लगता है मेरे अपने घर में कोई माँ बाप नहीं है तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। यहाँ पर मानू यही बताती हुई उसे बताती हैं कि नहीं, अगर आपको अपने कंफर्ट का इतना ही ख्याल है तो आप मुझे साफ साफ बता सकते हो। तो यहाँ पर हस्बी भी उसे यही बताते हुए कहते हैं कि नहीं मानूर, इस तरह की कोई बात नहीं है। आपको तो पता है कि हर इंसान को अपने कंफर्ट का मतलब पता होता है कि वो कहाँ पर खुश होता है और कहाँ पर नहीं। मानूर यही बताते हुए उसे यही कहती हैं कि अगर फिर ठीक है तो मैं इस तरह कर लेती हूँ कि मैं इस शादी से इनकार ही कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने वालिद साहब को इसी हाल में नहीं छोड़ सकती। अब मैं अपने वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करती हूँ। यही बात उसे लेकर मानूर वहां से चली जाती हैं। यहाँ पर हस्बैंड के भाई आ जाता है और अपनी बीवी से यही बताते हैं, अगर इन दोनों की शादी इस बात पर टहल जाती है तो हम इस तरह कर लेते हैं कि हम दोनों वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। वो अपनी भाभी से यही बताते हैं कि हस्बैंड भी अपनी भाभी को मिन्नतें करते हुए यही बताते हैं कि हाँ भाभी ये भी ठीक है। उसकी भाभी साफ इनकार कर लेते हैं कि नहीं, कि मैं अपने घर को यहाँ पर क्यों छोड़ूँ। यहाँ पर वो देखते हुए उसे यही बताते हैं कि मानूर में और इसमें यही फ़र्क है, क्योंकि मानूर अपने वालिद साहब से और अपने घर वालों से बहुत मोहब्बत करते हैं और यहाँ पर वो आपसे मोहब्बत नहीं करते। हस्बी अपने जहन में बहुत गलत गुमान रखते हुए उसे मानूर को कॉल करते हैं। मानूर को यही बताते हैं कि मानूर आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, आप मुझे मोहब्बत के दावा ही करते हो, क्योंकि अगर आपको मुझसे थोड़ी भी मोहब्बत होती तो आप ये बात मुझसे नहीं करते। मानू यही बताते हुए ये कहती हैं कि हाँ, हस्बी भी यही बताते कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है मैं अपने घर वालों से मोहब्बत नहीं करता, क्या हर बंदे को इस तरह नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी शादी हो, उसकी बीबी उसके घर में आ जाए। तो मानू सोचने पड़ जाती हैं और अपने दादा साहब से यही बताती हैं कि दादा आखिरकार मैं क्या करूँ, मैं अपने अब्बू को यहाँ पर नहीं छोड़ सकती और अब्बू को मतलब वो बीमार हैं, क्योंकि मैं उसके यहाँ पर अकेलेपन उसमें कभी भी उससे दूर नहीं जा सकती। उसके यही उसे बताते हैं कि मानूर नहीं बेटा, इस तरह की कोई बात नहीं है, ये तो हमारे सामने उसका घर है, आप कभी भी यहाँ पर आ सकती हो। मानूर उसे कहती है कि नहीं, अगर आप हस्बैंड को यही मनाते हुए उसे बोल दोगे कि हस्बैंड यहाँ पर आ जाए तो कैसा रहेगा। मानूर की अम्मी इस बात को राजी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, उसे बताती है कि आखिरकार हस्बैंड यहाँ पर क्या करेगा, हस्बैंड कोई डॉक्टर तो नहीं है कि वो यहाँ पर आकर मेरे पति का इलाज करेगा। उसे यही बताते उसे कहते हैं कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, हस्बैंड को यहाँ पर आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मानूर अगर आपको शादी करनी है तो आप वहाँ पर ही जाओगे, सब लोग अभी शादी करने के लिए तो मान ही जा चुके हैं, लेकिन अभी मानूर की बात पर कोई भी रजामंदी नहीं दिखाता, क्योंकि मानूर की बात बहुत गलत होती है, क्योंकि वो हस्बैंड को अपने घर में ही लाना चाहते हैं। हस्बैंड भी यही बताते हुए उसे कहते हैं कि मानूर आप ये बिल्कुल गलत कर रही हो, क्योंकि मैंने तो आपको बार बार साफ साफ बता दिया है अगर आपको मेरे साथ आना है तो आपको इस शादी को वहाँ पर सब घर वालों को छोड़ना ही होगा। मानूर साफ साफ इनकार करते हुए यही बताते हैं
कि नहीं, मैं इस तरह की कोई भी हरकत नहीं कर सकता। अगर आपको मुझसे कोई भी मतलब गिले शिकवे है तो आप मुझे साफ साफ बता सकते हो, मैं अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकता। मानूर और हसमन के बीच में बहुत बड़ी लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, उसे यही बताते हैं कि नहीं, हम इस तरह नहीं कर सकते। अगर आपको जाना है तो आप मुझसे मतलब मुझे छोड़ कर आप जा सकते हो। अगर आपको यहाँ पर मेरे साथ नहीं रहना है तो आप मुझे साफ साफ बता सकते हो। हसमन सोच में पड़ जाता है, अपने अम्मी से बताते हैं कि अम्मी अगर मैं वहाँ पर चला गया तो आप लोगों को क्या होगा। अम्मी उसे बता दे कि नहीं, हम इस तरह की शादी कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि आप मेरे बेटे हो। हर बेटे को यही बताना चाहिए कि अगर मेरा दूसरा बेटा कैसा है कि वो अपने ससुराल में तो नहीं रहता। मानूर यही बताते हैं कि नहीं, मैं तो इस तरह नहीं चाहती, क्योंकि उनके वालिद साहब भी मानूर को मनाते हुए यही बताते कि नहीं बेटा, मैं अभी ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आप क्यों टेंशन ले रही हो बार बार। मानूर आखिरकार क्या करेगी, वो हस्बैंड को छोड़ने की बात करते हुए सब लोगों के सामने ये बताते कि मैं हस्बैंड को छोड़ दूंगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर, आज हम बताएंगे ड्रामा काला डोरा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। सब घर वाले आखिर का मान ही जाता है यहाँ पर हस्बी और मानूर की शादी को, लेकिन यहाँ पर मानूर नहीं मानती, क्योंकि यहाँ पर मानूर अपनी अम्मी से यही बताती हैं, अम्मी मैं अगर यहाँ पर हस्बी के साथ शादी करूँगा तो यहाँ पर मैं हस्बी के साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि यहाँ पर हस्बी को यहीं पर आना होगा। हस्बी यहाँ पर यही सोचता है कि अमानू ये आप क्या बोल रहे हो, मैंने तो आपसे शादी इसलिए नहीं की कि मैं आपके घर में शादी करने के लिए आऊँगा। आपको क्या लगता है मेरे अपने घर में कोई माँ बाप नहीं है तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। यहाँ पर मानू यही बताती हुई उसे बताती हैं कि नहीं, अगर आपको अपने कंफर्ट का इतना ही ख्याल है तो आप मुझे साफ साफ बता सकते हो। तो यहाँ पर हस्बी भी उसे यही बताते हुए कहते हैं कि नहीं मानूर, इस तरह की कोई बात नहीं है। आपको तो पता है कि हर इंसान को अपने कंफर्ट का मतलब पता होता है कि वो कहाँ पर खुश होता है और कहाँ पर नहीं। मानूर यही बताते हुए उसे यही कहती हैं कि अगर फिर ठीक है तो मैं इस तरह कर लेती हूँ कि मैं इस शादी से इनकार ही कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने वालिद साहब को इसी हाल में नहीं छोड़ सकती। अब मैं अपने वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करती हूँ। यही बात उसे लेकर मानूर वहां से चली जाती हैं। यहाँ पर हस्बैंड के भाई आ जाता है और अपनी बीवी से यही बताते हैं, अगर इन दोनों की शादी इस बात पर टहल जाती है तो हम इस तरह कर लेते हैं कि हम दोनों वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। वो अपनी भाभी से यही बताते हैं कि हस्बैंड भी अपनी भाभी को मिन्नतें करते हुए यही बताते हैं कि हाँ भाभी ये भी ठीक है। उसकी भाभी साफ इनकार कर लेते हैं कि नहीं, कि मैं अपने घर को यहाँ पर क्यों छोड़ूँ। यहाँ पर वो देखते हुए उसे यही बता दें कि मानूर में और इसमें यही फ़र्क है, क्योंकि मानूर अपने वालिद साहब से और अपने घर वालों से बहुत मोहब्बत करते हैं और यहाँ पर वो आपसे मोहब्बत नहीं करते। हस्बी अपने जहन में बहुत गलत गुमान रखते हुए उसे मानूर को कॉल करते हैं। मानूर को यही बताते हैं कि मानूर आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, आप मुझे मोहब्बत के दावा ही करते हो, क्योंकि अगर आपको मुझसे थोड़ी भी मोहब्बत होती तो आप ये बात मुझसे नहीं करते। मानू यही बताते हुए ये कहती हैं कि हाँ, हस्बी भी यही बताते कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है मैं अपने घर वालों से मोहब्बत नहीं करता, क्या हर बंदे को इस तरह नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी शादी हो, उसकी बीवी उसके घर में आ जाए। तो मानू सोचने पड़ जाती हैं और अपने दादा साहब से यही बताती हैं कि दादा आखिरकार मैं क्या करूँ, मैं अपने अब्बू को यहाँ पर नहीं छोड़ सकती और अब्बू को मतलब वो बीमार हैं, क्योंकि मैं उसके यहाँ पर अकेलेपन उसमें कभी भी उससे दूर नहीं जा सकती। उसके दादा यही उसे बताते हैं कि मानूर नहीं बेटा, इस तरह की कोई बात नहीं है, ये तो हमारे सामने उसका घर है, आप कभी भी यहाँ पर आ सकती हो। मानूर उसे कहते हैं कि नहीं, अगर आप हस्बैंड को यही मनाते हुए उसे बोल दोगे कि हस्बैंड यहाँ पर आ जाए तो कैसा रहेगा। मानूर की अम्मी इस बात को राज़ी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, उसे बताती है कि आखिरकार हस्बैंड यहाँ पर क्या करेगा, हस्बैंड कोई डॉक्टर तो नहीं है कि वो यहाँ पर आकर मेरे पति का इलाज करेगा। उसे यही बताते उसे कहते हैं कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, हस्बैंड को यहाँ पर आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मानूर अगर आपको शादी करनी है तो आप वहाँ पर ही जाओगे, सब लोग अभी शादी करने के लिए तो मान ही जा चुके हैं, लेकिन अभी मानूर की बात पर कोई भी रजामंदी नहीं दिखाता, क्योंकि मानूर की बात बहुत गलत होती है, क्योंकि वो हस्बैंड को अपने घर में ही लाना चाहते हैं। हस्बैंड भी यही बताते हुए उसे कहते हैं कि मानूर आप ये बिल्कुल गलत कर रही हो, क्योंकि मैंने तो आपको बार बार साफ साफ बता दिया है अगर आपको मेरे साथ आना है तो आपको इस शादी को वहाँ पर सब घर वालों को छोड़ना ही होगा। मानूर साफ साफ इनकार करते हुए यही बताते हैं
कि नहीं, मैं इस तरह की कोई भी हरकत नहीं कर सकता। अगर आपको मुझसे कोई भी मतलब गिले शिकवे है तो आप मुझे साफ साफ बता सकते हो, मैं अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकता। मानूर और हसमन के बीच में बहुत बड़ी लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। उसे यही बताती हैं कि नहीं, हम इस तरह नहीं कर सकते। अगर आपको जाना है तो आप मुझसे मतलब मुझे छोड़ कर आप जा सकते हो। अगर आपको यहाँ पर मेरे साथ नहीं रहना है तो आप मुझे साफ साफ बता सकते हो। हसमन सोच में पड़ जाता है, अपने अम्मी से बताते हैं कि अम्मी अगर मैं वहाँ पर चला गया तो आप लोगों को क्या होगा। अम्मी उसे बता दे कि नहीं, हम इस तरह की शादी कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि आप मेरे बेटे हो। हर बेटे को यही बताना चाहिए कि अगर मेरा दूसरा बेटा कैसा है कि वो अपने ससुराल में तो नहीं रहता। मानूर यही बताते हैं कि नहीं, मैं तो इस तरह नहीं चाहती, क्योंकि उनके वालिद साहब भी मानूर को मनाते हुए यही बताते कि नहीं बेटा, मैं अभी ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आप क्यों टेंशन ले रही हो बार बार। मानूर आखिरकार क्या करेगी, वो हस्बैंड को छोड़ने की बात करते हुए सब लोगों के सामने ये बताते कि मैं हस्बैंड को छोड़ दूंगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर, आज हम बताएंगे ड्रामा काला डोरा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। सब घर वाले आखिर का मान ही जाता है यहाँ पर हस्बी और मानूर की शादी को, लेकिन यहाँ पर मानूर नहीं मानती, क्योंकि यहाँ पर मानूर अपनी अम्मी से यही बताती हैं, अम्मी मैं अगर यहाँ पर हस्बी के साथ शादी करूँगा तो यहाँ पर मैं हस्बी के साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि यहाँ पर हस्बी को यहीं पर आना होगा। हस्बी यहाँ पर यही सोचता है कि अमानू ये आप क्या बोल रहे हो, मैंने तो आपसे शादी इसलिए नहीं की कि मैं आपके घर में शादी करने के लिए आऊँगा। आपको क्या लगता है मेरे अपने घर में कोई माँ बाप नहीं है तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। यहाँ पर मानू यही बताती हुई उसे बताती हैं कि नहीं, अगर आपको अपने कंफर्ट का इतना ही ख्याल है तो आप मुझे साफ साफ बता सकते हो। तो यहाँ पर हस्बी भी उसे यही बताते हुए कहते हैं कि नहीं मानूर, इस तरह की कोई बात नहीं है। आपको तो पता है कि हर इंसान को अपने कंफर्ट का मतलब पता होता है कि वो कहाँ पर खुश होता है और कहाँ पर नहीं। मानूर यही बताते हुए उसे यही कहती हैं कि अगर फिर ठीक है तो मैं इस तरह कर लेती हूँ कि मैं इस शादी से इनकार ही कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने वालिद साहब को इसी हाल में नहीं छोड़ सकती। अब मैं अपने वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करती हूँ। यही बात उसे लेकर मानूर वहां से चली जाती हैं। यहाँ पर हस्बैंड के भाई आ जाता है और अपनी बीवी से यही बताते हैं, अगर इन दोनों की शादी इस बात पर टहल जाती है तो हम इस तरह कर लेते हैं कि हम दोनों वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। वो अपनी भाभी से यही बताते हैं कि हस्बैंड भी अपनी भाभी को मिन्नतें करते हुए यही बताते हैं कि हाँ भाभी ये भी ठीक है। उसकी भाभी साफ इनकार कर लेते हैं कि नहीं, कि मैं अपने घर को यहाँ पर क्यों छोड़ूँ। यहाँ पर वो देखते हुए उसे यही बताते हैं कि मानूर में और इसमें यही फ़र्क है, क्योंकि मानूर अपने वालिद साहब से और अपने घर वालों से बहुत मोहब्बत करते हैं और यहाँ पर वो आपसे मोहब्बत नहीं करते। हस्बी अपने जहन में बहुत गलत गुमान रखते हुए उसे मानूर को कॉल करते हैं। मानूर को यही बताते हैं कि मानूर आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, आप मुझे मोहब्बत के दावा ही करते हो, क्योंकि अगर आपको मुझसे थोड़ी भी मोहब्बत होती तो आप ये बात मुझसे नहीं करते। मानू यही बताते हुए ये कहती हैं कि हाँ, हस्बी भी यही बताते कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है मैं अपने घर वालों से मोहब्बत नहीं करता, क्या हर बंदे को इस तरह नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी शादी हो, उसकी बीवी उसके घर में आ जाए। तो मानू सोचने पड़ जाती हैं और अपने दादा साहब से यही बताती हैं कि दादा आखिरकार मैं क्या करूँ, मैं अपने अब्बू को यहाँ पर नहीं छोड़ सकती और अब्बू को मतलब वो बीमार हैं, क्योंकि मैं उसके यहाँ पर अकेलेपन उसमें कभी भी उससे दूर नहीं जा सकती। उसके यही उसे बताते हैं कि मानूर नहीं बेटा, इस तरह की कोई बात नहीं है, ये तो हमारे सामने उसका घर है, आप कभी भी यहाँ पर आ सकती हो। मानूर उसे कहती है कि नहीं, अगर आप हस्बैंड को यही मनाते हुए उसे बोल दोगे कि हस्बैंड यहाँ पर आ जाए तो कैसा रहेगा। मानूर की अम्मी इस बात को राजी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। वो उसे बताती है कि आखिरकार हस्बैंड यहाँ पर क्या करेगा, हस्बैंड कोई डॉक्टर तो नहीं है कि वो यहाँ पर आकर मेरे पति का इलाज करेगा। उसे यही बताते हुए उसे कहते हैं कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, हस्बैंड को यहाँ पर आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मानूर अगर आपको शादी करनी है तो आप वहाँ पर ही जाओगे, सब लोग अभी शादी करने के लिए तो मान ही जा चुके हैं, लेकिन अभी मानूर की बात पर कोई भी रजामंदी नहीं दिखाता, क्योंकि मानूर की बात बहुत गलत होती है, क्योंकि वो हस्बैंड को अपने घर में ही लाना चाहते हैं। हस्बैंड भी यही बताते हुए उसे कहते हैं कि मानूर आप ये बिल्कुल गलत कर रही हो, क्योंकि मैंने तो आपको बार बार साफ साफ बता दिया है अगर आपको मेरे साथ आना है तो आपको इस शादी को वहाँ पर सब घर वालों को छोड़ना ही होगा। मानूर साफ साफ इनकार करते हुए यही बताते हैं
कि नहीं, मैं इस तरह की कोई भी हरकत नहीं कर सकता। अगर आपको मुझसे कोई भी मतलब गिले शिकवे है तो आप मुझे साफ साफ बता सकते हो, मैं अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकता। मानूर और हसमन के बीच में बहुत बड़ी लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। उसे यही बताते हैं कि नहीं, हम इस तरह नहीं कर सकते। अगर आपको जाना है तो आप मुझसे मतलब मुझे छोड़ कर आप जा सकते हो। अगर आपको यहाँ पर मेरे साथ नहीं रहना है तो आप मुझे साफ साफ बता सकते हो। हसमन सोच में पड़ जाता है, अपने अम्मी से बताते हैं कि अम्मी अगर मैं वहाँ पर चला गया तो आप लोगों को क्या होगा। अम्मी उसे बताते कि नहीं, हम इस तरह की शादी कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि आप मेरे बेटे हो। हर बेटे को यही बताना चाहिए कि अगर मेरा दूसरा बेटा कैसा है कि वो अपने ससुराल में तो नहीं रहता। मानूर यही बताते हैं कि नहीं, मैं तो इस तरह नहीं चाहती, क्योंकि उनके वालिद साहब भी मानूर को मनाते हुए यही बताते कि नहीं बेटा, मैं अभी ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आप क्यों टेंशन ले रही हो बार बार। मानूर आखिरकार क्या करेगी, वो हस्बैंड को छोड़ने की बात करते हुए सब लोगों के सामने ये बताते कि मैं हस्बैंड को छोड़ दूंगा। अस्सलाम वालेकुम वीवर, आज हम बताएंगे ड्रामा काला डोरा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। सब घर वाले आखिर का मान ही जाता है यहाँ पर हस्बी और मानूर की शादी को, लेकिन यहाँ पर मानूर नहीं मानती, क्योंकि यहाँ पर मानूर अपनी अम्मी से यही बताती हैं, अम्मी मैं अगर यहाँ पर हस्बी के साथ शादी करूँगा तो यहाँ पर मैं हस्बी के साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि यहाँ पर हस्बी को यहीं पर आना होगा। हस्बी यहाँ पर यही सोचता है कि अमानू ये आप क्या बोल रहे हो, मैंने तो आपसे शादी इसलिए नहीं की कि मैं आपके घर में शादी करने के लिए आऊँगा। आपको क्या लगता है मेरे अपने घर में कोई माँ बाप नहीं है तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। यहाँ पर मानू यही बताती हुई उसे बताती हैं कि नहीं, अगर आपको अपने कंफर्ट का इतना ही ख्याल है तो आप मुझे साफ साफ बता सकते हो। तो यहाँ पर हस्बी भी उसे यही बताते हुए कहते हैं कि नहीं मानूर, इस तरह की कोई बात नहीं है। आपको तो पता है कि हर इंसान को अपने कंफर्ट का मतलब पता होता है कि वो कहाँ पर खुश होता है और कहाँ पर नहीं। मानूर यही बताते हुए उसे यही कहती हैं कि अगर फिर ठीक है तो मैं इस तरह कर लेती हूँ कि मैं इस शादी से इनकार ही कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने वालिद साहब को इसी हाल में नहीं छोड़ सकती। अब मैं अपने वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करती हूँ। यही बात उसे लेकर मानूर वहां से चली जाती हैं। यहाँ पर हस्बैंड के भाई आ जाता है और अपनी बीवी से यही बताते हैं, अगर इन दोनों की शादी इस बात पर टहल जाती है तो हम इस तरह कर लेते हैं कि हम दोनों वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। वो अपनी भाभी से यही बताते हैं कि हस्बैंड भी अपनी भाभी को मिन्नतें करते हुए यही बताते हैं कि हाँ भाभी ये भी ठीक है। उसकी भाभी साफ इनकार कर लेते हैं कि नहीं, कि मैं अपने घर को यहाँ पर क्यों छोड़ूँ। यहाँ पर वो देखते हुए उसे यही बताते कि मानूर में और इसमें यही फ़र्क है, क्योंकि मानूर अपने वालिद साहब से और अपने घर वालों से बहुत मोहब्बत करते हैं और यहाँ पर वो आपसे मोहब्बत नहीं करते। हस्बी अपने जहन में बहुत गलत गुमान रखते हुए उसे मानूर को कॉल करते हैं। मानूर को यही बताते हैं कि मानूर आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, आप मुझे मोहब्बत के दावा ही करते हो, क्योंकि अगर आपको मुझसे थोड़ी भी मोहब्बत होती तो आप ये बात मुझसे नहीं करते। मानू यही बताते हुए ये कहती हैं कि हाँ, हस्बी भी यही बताते कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है मैं अपने घर वालों से मोहब्बत नहीं करता, क्या हर बंदे को इस तरह नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी शादी हो, उसकी बीबी उसके घर में आ जाए। तो मानू सोचने पड़ जाती हैं और अपने दादा साहब से यही बताती हैं कि दादा आखिरकार मैं क्या करूँ, मैं अपने अब्बू को यहाँ पर नहीं छोड़ सकती और अब्बू को मतलब वो बीमार हैं, क्योंकि मैं उसके यहाँ पर अकेलेपन उसमें कभी भी उससे दूर नहीं जा सकती। उसके यही उसे बताते हैं कि मानूर नहीं बेटा, इस तरह की कोई बात नहीं है, ये तो हमारे सामने उसका घर है, आप कभी भी यहाँ पर आ सकती हो। मानूर उसे कहते हैं कि नहीं, अगर आप हस्बैंड को यही मनाते हुए उसे बोल दोगे कि हस्बैंड यहाँ पर आ जाए तो कैसा रहेगा। मानूर की अम्मी इस बात को राज़ी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। उसे बताती है कि आखिरकार हस्बैंड यहाँ पर क्या करेगा, हस्बैंड कोई डॉक्टर तो नहीं है कि वो यहाँ पर आकर मेरे पति का इलाज करेगा। उसे यही बताते उसे कहते हैं कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, हस्बैंड को यहाँ पर आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मानूर अगर आपको शादी करनी है तो आप वहाँ पर ही जाओगे, सब लोग अभी शादी करने के लिए तो मान ही जा चुके हैं, लेकिन अभी मानूर की बात पर कोई भी रजामंदी नहीं दिखाता, क्योंकि मानूर की बात बहुत गलत होती है, क्योंकि वो हस्बैंड को अपने घर में ही लाना चाहते हैं। हस्बैंड भी यही बताते हुए उसे कहते हैं कि मानूर आप ये बिल्कुल गलत कर रही हो, क्योंकि मैंने तो आपको बार बार साफ साफ बता दिया है अगर आपको मेरे साथ आना है तो आपको इस शादी को वहाँ पर सब घर वालों को छोड़ना ही होगा। मानूर साफ साफ इनकार करते हुए यही बताते हैं
कि नहीं, मैं इस तरह की कोई भी हरकत नहीं कर सकता। अगर आपको मुझसे कोई भी मतलब गिले शिकवे है तो आप मुझे साफ साफ बता सकते हो, मैं अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकता। मानूर और हसमन के बीच में बहुत बड़ी लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, उसे यही बताते हैं कि नहीं, हम इस तरह नहीं कर सकते। अगर आपको जाना है तो आप मुझसे मतलब मुझे छोड़ कर आप जा सकते हो। अगर आपको यहाँ पर मेरे साथ नहीं रहना है तो आप मुझे साफ साफ बता सकते हो। हसमन सोच में पड़ जाता है, अपने अम्मी से बताते हैं कि अम्मी अगर मैं वहाँ पर चला गया तो आप लोगों को क्या होगा। अम्मी उसे बता दे कि नहीं, हम इस तरह की शादी कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि आप मेरे बेटे हो। हर बेटे को यही बताना चाहिए कि अगर मेरा दूसरा बेटा कैसा है कि वो अपने ससुराल में तो नहीं रहता। मानूर यही बताते हैं कि नहीं, मैं तो इस तरह नहीं चाहती, क्योंकि उनके वालिद साहब भी मानूर को मनाते हुए यही बताते कि नहीं बेटा, मैं अभी ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आप क्यों टेंशन ले रही हो बार बार। मानूर आखिरकार क्या करेगी, वो हस्बैंड को छोड़ने की बात करते हुए सब लोगों के सामने ये बताते कि मैं हस्बैंड को छोड़ दूंगा। अस्सलाम वालेकुम वीवर, आज हम बताएंगे ड्रामा कालाडूरा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। नेक्स्ट आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सब घर वाले आखिर का मान ही जाता है यहाँ पर हस्बी और मानूर की शादी को, लेकिन यहाँ पर मानूर नहीं मानती, क्योंकि यहाँ पर मानूर अपनी अम्मी से यही बताती हैं, अम्मी मैं अगर यहाँ पर हस्बी के साथ शादी करूँगा तो यहाँ पर मैं हस्बी के साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि यहाँ पर हस्बी को यहीं पर आना होगा। हस्बी यहाँ पर यही सोचता है कि अब मानूर ये आप क्या बोल रहे हो, मैंने तो आपसे शादी इसलिए नहीं की कि मैं आपके घर में शादी करने के लिए आऊँगा। आपको क्या लगता है मेरे अपने घर में कोई माँ बाप नहीं है तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। यहाँ पर मानूर यही बताती हुई उसे बताती हैं कि नहीं, अगर आपको अपने कंफर्ट का इतना ही ख्याल है तो आप मुझे साफ साफ बता सकते हो। तो यहाँ पर हस्बी भी उसे यही बताते हुए कहते हैं कि नहीं मानूर, इस तरह की कोई बात नहीं है। आपको तो पता है कि हर इंसान को अपने कंफर्ट का मतलब पता होता है कि वो कहाँ पर खुश होता है और कहाँ पर नहीं। मानूर यही बताते हुए उसे यही कहती हैं कि अगर फिर ठीक है तो मैं इस तरह कर लेती हूँ कि मैं इस शादी से इनकार ही कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने वालिद साहब को इसी हाल में नहीं छोड़ सकती। अब मैं अपने वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करती हूँ। यही बात उसे लेकर मानूर वहां से चली जाती हैं। यहाँ पर हस्बैंड के भाई आ जाते हैं और अपनी बीवी से यही बताते हैं, अगर इन दोनों की शादी इस बात पर टहल जाती है तो हम इस तरह कर लेते हैं कि हम दोनों वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। वो अपनी भाभी से यही बताते हैं कि हस्बैंड भी अपनी भाभी को मिन्नतें करते हुए यही बताते हैं कि हाँ भाभी ये भी ठीक है। उसकी भाभी साफ इनकार कर लेते हैं कि नहीं, कि मैं अपने घर को यहाँ पर क्यों छोड़ूँ। यहाँ पर वो देखते हुए उसे यही बताते हैं कि मानूर में और इसमें यही फ़र्क है, क्योंकि मानूर अपने वालिद साहब से और अपने घर वालों से बहुत मोहब्बत करते हैं और यहाँ पर वो आपसे मोहब्बत नहीं करते। हस्बी अपने जहन में बहुत गलत गुमान रखते हुए उसे मानूर को कॉल करते हैं। मानूर को यही बताते हैं कि मानूर आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, आप मुझे मोहब्बत के दावा ही करते हो, क्योंकि अगर आपको मुझसे थोड़ी भी मोहब्बत होती तो आप ये बात मुझसे नहीं करते। मानू यही बताते हुए ये कहती हैं कि हाँ, हस्बी भी यही बताते कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है मैं अपने घर वालों से मोहब्बत नहीं करता, क्या हर बंदे को इस तरह नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी शादी हो, उसकी बीबी उसके घर में आ जाए। तो मानू सोचने पड़ जाती हैं और अपने दादा साहब से यही बताती हैं कि दादा आखिरकार मैं क्या करूँ, मैं अपने अब्बू को यहाँ पर नहीं छोड़ सकती और अब्बू को मतलब वो बीमार हैं, क्योंकि मैं उसके यहाँ पर अकेलेपन उसमें कभी भी उससे दूर नहीं जा सकती। उसके यही उसे बताते हैं कि मानूर नहीं बेटा, इस तरह की कोई बात नहीं है, ये तो हमारे सामने उसका घर है, आप कभी भी यहाँ पर आ सकती हो। मानूर उसे कहती है कि नहीं, अगर आप हस्बैंड को यही मनाते हुए उसे बोल दोगे कि हस्बैंड यहाँ पर आ जाए तो कैसा रहेगा। मानूर की अम्मी इस बात को राज़ी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, उसे बताती है कि आखिरकार हस्बैंड यहाँ पर क्या करेगा, हस्बैंड कोई डॉक्टर तो नहीं है कि वो यहाँ पर आकर मेरे पति का इलाज करेगा। उसे यही बताते उसे कहते हैं कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, हस्बैंड को यहाँ पर आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मानूर अगर आपको शादी करनी है तो आप वहाँ पर ही जाओगे, सब लोग अभी शादी करने के लिए तो मान ही जा चुके हैं, लेकिन अभी मानूर की बात पर कोई भी रजामंदी नहीं दिखाता, क्योंकि मानूर की बात बहुत गलत होती है, क्योंकि वो हस्बैंड को अपने घर में ही लाना चाहते हैं। हस्बैंड भी यही बताते हुए उसे कहते हैं कि मानूर आप ये बिल्कुल गलत कर रही हो, क्योंकि मैंने तो आपको बार बार साफ साफ बता दिया है, अगर आपको मेरे साथ आना है तो आपको इस शादी को वहाँ पर सब घर वालों को छोड़ना ही होगा। मानूर साफ साफ इनकार करते हुए यही बताते हैं
कि नहीं, मैं इस तरह की कोई भी हरकत नहीं कर सकता। अगर आपको मुझसे कोई भी मतलब गिले शिकवे है तो आप मुझे साफ साफ बता सकते हो, मैं अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकता। मानूर और हसमन के बीच में बहुत बड़ी लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। उसे यही बताते हैं कि नहीं, हम इस तरह नहीं कर सकते। अगर आपको जाना है तो आप मुझसे मतलब मुझे छोड़ कर आप जा सकते हो। अगर आपको यहाँ पर मेरे साथ नहीं रहना है तो आप मुझे साफ साफ बता सकते हो। हसमन सोच में पड़ जाता है, अपने अम्मी से बताते हैं कि अम्मी, अगर मैं वहाँ पर चला गया तो आप लोगों को क्या होगा। अम्मी उसे बताते कि नहीं, हम इस तरह की शादी कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि आप मेरे बेटे हो। हर बेटे को यही बताना चाहिए कि अगर मेरा दूसरा बेटा कैसा है कि वो अपने ससुराल में तो नहीं रहता। मानूर यही बताते हैं कि नहीं, मैं तो इस तरह नहीं चाहती, क्योंकि उनके वालिद साहब भी मानूर को मनाते हुए यही बताते कि नहीं बेटा, मैं अभी ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आप क्यों टेंशन ले रही हो बार बार। मानूर आखिरकार क्या करेगी, वो हस्बैंड को छोड़ने की बात करते हुए सब लोगों के सामने ये बताते कि मैं हस्बैंड को छोड़।